वेलकम टू स्कूल टाइम। आज है 6 जून 2023। हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहा ने माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका आंसर है ओडिशा। अब बात करते हैं ओडिशा के बारे में। तो ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। कैपिटल भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल। हाल ही में ओडिशा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। व्हीलर द्वीप का नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया। हाल ही में ओडिशा के कटक में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ है। कटक में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ। हाल ही में ओडिशा सरकार ने 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की। 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की। बनाने की घोषणा की। हाल ही में ओडिशा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला। बौद्ध स्तूप स्तूप मिला। हाल ही में ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मेलानिसिक बाघ मृत पाया गया। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मेलानिसिक टक बाघ मृत पाया गया। हाल ही में ओडिशा सरकार ने बिहार के बाद राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया है। बिहार के बाद पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य ओडिशा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया गया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बेस। हाल ही में महाराष्ट्र में समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की गई। समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की गई। हाल ही में महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की। विकलांग कर्मचारियों के लिए
4% आरक्षण की घोषणा की, आरक्षण की घोषणा की। महाराष्ट्र के लातूर में स्टेचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई, लातूर में स्टेचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई, स्टेचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई, नॉलेज की स्थापना की गई। हाल ही में महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया, तुलजा भवानी भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया, श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने शासन लागूदारी पहल शुरू की, शासन लागूदारी पहल शुरू की, लागूदारी पहल शुरू की। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नमो सेतकारी महासमन योजना शुरू की, नमो सेतकारी सेतकारी महासमन योजना शुरू की, समन योजना शुरू की। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी, मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी, पर्यटन नीति को मंजूरी दी।